हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा प्रोजेक्ट। तो देखिए, हम ये बो बनाएंगे। बहुत ही प्यारी है ये, इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाई है तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, या तो हमने इस तरह की बहुत सारी हेयर क्लिप बनाई है। देखिए, ये वाली हेयर क्लिप है, तो इसके ऊपर भी आप इसके नीचे पिन लगा दीजिए इस तरह की। देखिए, इस तरह की पिन आती है, वो लगा दीजिए तो हेयर क्लिप भी हो जाएगी। देखिए, इन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये पफ स्टिच वाली है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, तो इसे देख करके आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इसे देख करके आप इसमें ये भी बना सकते हैं, या तो आप चाहे वहाँ पर इसे लगा सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें लगा सकते हैं, या तो इस तरह का आता है, इसे भी यहाँ पर आप चिपका दीजिए, तो इसे भी आप बच्चों के माथे पे डाल सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलो, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने वूल ली है 4-ply की, और इसमें इस तरह की मैजिक रिंग बनानी है हमें, चेन नहीं बनानी है। पास से देखिए, इस तरह से हम धागा उंगली पर इसे पकड़ेंगे और इस तरह से लपेट देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें एक चेन ली और इसी मैजिक रिंग के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चार पाँच और छः बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम इस लूप को खींच करके टाइट कर देंगे। देखिए, इस तरह से टाइट कर दिया। इसके बाद अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे, इस धागे को साथ में ले लेंगे बुनते वक्त, ताकि हमें इसकी नॉट ना लगानी पड़े। को अच्छे से खींच देंगे। और अब हमने जो 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसका जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर डाल करके हमें राउंड को जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच। देखिए, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, तो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है वहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और सेम प्लेस पर दूसरी बार सेम चेन में हमने दूसरी बार बनाया। देखिए, और अब हमें यहाँ पर 8 चेन बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ चेन हमने बना दी। इसके बाद जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसी के दो लूप उठा करके देखिए, इस तरह से दो लूप उठाए और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर दिया। ऐसे यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया। और अब हमें आगे 3 चेन में दो दो बनाने हैं। देखिए, नेक्स्ट वाली पहली चेन सेम चेन में दो बार, एक ही चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में दूसरी चेन में दो बार, फिर से नेक्स्ट में तीसरी चेन में दो बार, 3 चेन में हमने दो दो बनाए। देखिए, और अब हमें यहाँ पर चौथी वाली चेन में डाल करके एक और दो बनाया, हमने 3 चेन में दो दो बनाना है, एक दो और ये 3 चेन में हमने दो दो बना लिए। और अब हमें 8 चेन बनानी है। फिर से 3 चेन में दो दो बनाने के बाद हम 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 8 चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8। और अब हमने इसी के दो लूप उठा करके, देखिए पहले हमने जैसे जॉइंट किया था इसी तरह से स्लिप स्टिच
जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट हमारी दो चेन बची है, तो इन दो चेन में फिर से दो दो बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सेम चेन में दो, फिर से नेक्स्ट में एक और सेम चेन में दो। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इस यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। यह हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, तो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हमें यहाँ पर इस लूप में 15 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। लूप लिया, इसके अंदर डबल क्रोशे, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और 15। तो हमने यहाँ पर 15 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हमें यहाँ पर अब एक्स्ट्रा धागा जो है हमारा वो हम काट लेंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर एक चेन स्किप करनी है। यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर से 1, 2 और 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, नेक्स्ट चेन में दूसरी बार बनाएंगे। सेम चेन में हमने नहीं बनाया, देखिए नेक्स्ट में बनाया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन में हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोश। फिर पांचवी चेन में सिंगल क्रोशिया ऐसे। और फिर से यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 8 चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और फिर से 3 स्किप करेंगे और चौथी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जैसे हमने ये वाला बनाया था। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो 3 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया कर दिया। अब चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और पांचवी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो ये दोनों बन करके रेडी हो गए। और अब हमें फिर से यहाँ पर एक स्किप करके यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। और फिर से अब हमें इस वाली जो हमारा लूप है इसके अंदर 15 बार डबल क्रोशे बनाने हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से 15 बार डबल क्रोशे बना लीजिए। तो 15 बार हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे क्योंकि निडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमने धागा निडल में पिरो लिया है। अब हम यहीं से ही देखिए इसी चेन में से नीचे की ओर निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इसे इस तरह से थोड़े थोड़े स्टिच में लेते जाएंगे इसे, और बीच बीच में
एक एक बार नॉट लगाते जाएंगे। इस तरह से हम धागे को घुमा फिरा करके फिर इसकी नॉट लगा देंगे, देखिए, और फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा धागा है इतना इसी के अंदर थोड़े थोड़े स्टिच लेते जाइए और इस तरह से चलाते जाइए, ऐसे इस तरह से। और ये जो है हमारी नीचे की वो थोड़ी सी मुड़ती है, तो देखिए इस तरह से आप, अगर एक्स्ट्रा धागा है आपके पास तो इस तरह से आप इसमें धागा एक बार ऐसे चला लीजिए तो एकदम से ये अच्छे से रहेगी, बिल्कुल ही हमारी मुड़ेगी नहीं। देखिए इस तरह से फिर से पीछे की ओर चले जाएंगे ऐसे, ऐसे करके अब हम दूसरी में भी कर लेंगे। देखिए एकदम से अच्छे से रहेगी, इसमें हमने धागा चला दिया है और इसमें हमारा बाकी है, तो इसमें भी हम इसी तरह से थोड़े थोड़े स्टिच लेते जाएंगे और धागे को चला देंगे। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रख करके धागा काटें ताकि आप इस तरह से कर सकें। देखिए ऐसे इसी तरह से स्टिच में लेते जाइए और यहाँ से ऐसे करके वापस चले जाइए इस तरह से। तो ये अच्छे से हमारी फ्रश दिखेगी ऐसे। और अब इसमें भी जितना धागा है उतना चला लेंगे। अब हम इस धागे को काट देंगे। तो देखिए ये वो है जो हमारी एकदम ही अच्छे से रहेगी, मुड़ेगी नहीं बिल्कुल, देखिए। तो दोनों हमारी रेडी है। आपको, आप इसे बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं इसमें आप इसे यूज़ करें, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए अलग अलग कलर्स में बना करके आप इसे लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो दोनों साइड कुछ लगा दीजिए और बीच में भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।